जय हिंद दोस्तों, ये ओवराय डेयरी है ताजपुर लुधियाना में। कालू जी हैं, बोलू जी, अमनी जी जो इसका संचालन करते हैं। गाय HF हैं और बहुत अधिक दूध देने वाली हैं, जो कि गुजरात के लिए जा रही हैं। हमसे लोग कहते हैं कि जो गाय बिक चुकी है उसको आप क्यों दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि देखने का नज़रिया है, आप लोग देखते हैं भाव से, हम लोग दिखाते हैं रख रखाव के हिसाब से, और आपको पहचान हो सके कि कौन सी अच्छी है, क्यों अच्छी है और क्या उसका दाम होना चाहिए। आप उसको उल्ट दिशा में ले जाएं तो ये आपकी अपनी सोच है, हमें हमारा ये मकसद नहीं है कि आप ये ऊँचे भाव की ख़रीदो। जिसने ख़रीदनी है, जो रखना जानता है, जो अच्छी ब्रीड पालना जानता है, जिसने अधिक दूध लेना है, तो वो लोग ख़रीदेंगे। और जो लोग गाय नहीं रखते हैं, बैठ करके कमेंटबाजी करते हैं, वो एक नई उम्र के लड़के हैं, तो उनको हम रोक नहीं सकते, करें वो अपना काम, करें हम अपना कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। तो ये गाय जो दिखा रहे हो, हाँ जी, कहाँ के लिए हैं ये? अंकल जी, अपना गुजरात जा रही है, सूरत। सूरत किसके पास? श्याम जी के पास। श्याम जी, हाँ। कितनी बार आए आपके पास? ये फर्स्ट टाइमर ही है, पर हमारे जो पहले जो कस्टमर हैं उनसे पूछ के उसने हमारे से गाय ली। उनके पास पहले भी HF गाय है, अच्छा उनका काम है। ऑनलाइन जा रही है, ब्रीडेड गाय उन्होंने पहले भी रखी। तो ये जो दिखा रहे हो, हाँ जी, बहुत हाइट की है, तुमसे भी ऊँची है। तो हाँ जी, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हो? ये फार्म से ली है जी। ये अंकल जी अपना श्याम जी को लेके दी है, ये खुद अंकल जी NDDB की 213 नंबर बुल की है, जो हमारे इंडिया में। चलो भाई, हाँ, लोग जो है ना, मैंने देखा कि वो टीके गलत बोल देते हैं, उसी को ABS कोई, उसका ABS कोई, फिर आगे उसका आगे भी ABS। मैं सुना जी, एक आदमी ने बोला, मैं आपकी वीडियो में देखा, हाँ। वो बोलता है ADF का PDF पे लगा। भाई समझाया करो, ये तुम्हारे मित्र हैं। बाद में ये NDDB का, हाँ, आगे 213 नंबर बुल है, हाँ, जो हमारे इधर इंडिया में ही है बुल, हाँ। और आगे इसको होस्टाल लगा है ABS का, ठीक है जी। और इसके अपना 28 तारीख को टाइम पूरा है। कितना दूध देगी? दूध देगी ये 45 के आसपास, 45 40 से प्लस ही रहेगा। कागजी बातें हैं? कागजी नहीं है। आप पता क्या, कागजी तो देखो बोलना सभी नहीं है, पर सामने जो ब्रीड है वो खड़ी हुई है, वो बताती है कि मैं उतना दूध दे सकती हूँ कि नहीं, उसकी निमट है कि नहीं। कितने दांत? ये दांत 6 ही होगी, शायद पूरे भी होगी, देखिए रहा, दांत चेक नहीं किया क्योंकि इसकी जो उम्र है वो अपना 46 महीने की है। अरे हो रहे हैं, 46 महीने हो गए। तो क्या दाम है ये? 1,05,000 की दिलाई है जी। 1,05,000 की? ऐसे उनकी 8 गायें लेके दी हमने, 40-45 लीटर दूध देने वाली, 1,05,000। हाँ जी, ऐसे उनको हमने 7,60,000 की अपना 8 गायें लेके दी है। 7,60,000 की 8 गायें, हाँ जी। एवरेज दूध उनको लगभग आएगा 35 से प्लस। ठीक, जो आगे दिखा रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो तुम्हारा पाली इससे भी नीचे रह गया, छोटा हो गया। गाय बहुत बड़ी है। कितना दूध देने वाली है? दूध ये अपना जी, वैसे तो इसने फर्स्ट टाइमर पे 48 लीटर दूध दिया हुआ है, जो इसका रिकॉर्ड, हाँ जी, जो इसका रिकॉर्ड है। तुम्हारी बातें कोई सच मानेगा? जरूर मानेंगे जी, गाय को देख के मानेंगे, और जिस ब्रीड से ली है, जिस क्वालिटी की है, ये भी दूसरा बेहतर ही है जी। कितने दांत है? दांत इसके शायद पूरे हैं जी, क्योंकि अपना 4 दांत थी जब इसने पहला बेहतर दिया। अच्छा, लोग कहते हैं तुम लोग ज़्यादा ब्यांत को कम बता देते हो। बॉडी स्ट्रक्चर से पता लगता है जी वो ब्यांत क्या है। उन लोगों को मालूम नहीं होगा? उन लोगों को नहीं मालूम होगा, जिनको अनुभव है उनके हिसाब से तो दूसरा बेहतर ही है। जिसने खरीदी है, देख के खरीदी? उसने देख के खरीदी है, वीडियो कॉल करके दिखाई है। क्या दाम है? हाँ जी, क्या दाम है इसका? ये सभी गाय में से हम लगाए तो इसको अकेले को 1.5 लाख की गिनते हैं। वैसे बेची कितने की है ब्लॉक में? 150 में गिन के डाली है। 150 में? हाँ जी। तो कितना समय मांग रही है ये? समय अंकल जी अभी इसके 2 तारीख को टाइम पूरा है। 2 तारीख? हाँ जी, 2 तारीख को। ये जितनी ऊंची ऊंची दिखा रहे हो, हाँ जी, अगर चारों तरफ खड़ी कर दें, तुमको बीच में खड़ा कर दें, तुम दिखाई नहीं दोगे? नहीं, गाय की
क्वालिटी भी ऐसे, दाम भी ऐसा लगा। बड़ी बड़ी हैं ये, दूध लंबे समय तक देंगी या खाली बॉडी है? ये ब्रीड बिकती इसलिए कि लंबे समय तक दूध दे। अच्छा, ये ब्रीड की खासियत ही यही होती है। तो ये कितने दांत है? ये भी दांत अपना 6 दांत है और एबीएस विगो की है ये। अच्छा, हाँ जी। कितना दूध देगी? दूध ये देगी अंकल जी अपने को लगभग 40 लीटर के आसपास, 35 और 40 के बीच में। हाँ जी। कौन सी ब्रीड की है? ये अपना दूसरा ब्रीड है, पहले बेहतर में 31 लीटर दूध दिया हुआ। तो आप बढ़ जाएंगे वो बहुत, वही इसलिए बता रहे हैं 35। तो अभी तो बढ़ना ही है जी। हाँ भाई, तुमसे बात जानना था। हाँ जी। तुम 2-3 महीने गायब रहे। हाँ जी। हमको पता लगा न्यूज पड़ी कि तुम पॉजिटिव हो गए कोरोना। हाँ जी। और तो हमको बुलाते रहे हम, नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो अब तुम ठीक हो गए? हाँ जी, कोरोना योद्धा बन गए। ये बढ़िया जी। अब तो क्या है कोरोना? कोरोना काफ़ी गंदी बीमारी है जी, बहुत उसको कैसा होता है इसमें? इसमें अपना चेस्ट बहुत दर्द होती है, खांसी बहुत आती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और सबसे पहले ये बात है, जिसको ये बीमारी चालू होती है पहला जो इसका, उससे किसी भी आदमी को स्मेल नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो परफ्यूम की हो या खुशबू है या बदबू है, किसी की स्मेल नहीं आएगी, ना खाने का टेस्ट आएगा, मुँह का टेस्ट बदल जाएगा। और बुखार, सुबह में बुखार अपना कम हो जाता है, रात को चढ़ जाता है, इसमें फीवर का भी रहा। और शरीर पूरा टूट जाता है, शरीर टूट जाता है, मतलब कि आदमी चल भी नहीं सकता, इतनी उसको कमज़ोरी आ जाती है। उसमें हम चने का सूप ज़्यादा पी सकते हैं, नारियल पानी जितना ले सके, 2 पिए, 3 पिए पूरे दिन में, उससे एनर्जी पावर अच्छी रहती है। चने का सूप ज़्यादा पिए, रोटी ना खाएँ, सब्जी ज़्यादा खाएँ, कोई भी खाना ना छोड़े। अगर खाना छोड़ेंगे तो ये अपने आप को हमारे को लेके जाएगा अपने साथ। यार तुम्हारी बातें सुनकर मेरे भी पेन होने लगे। ये चीज़ें जो है ना अंकल जी, ये चीज़ जो अपने चेस्ट वाली साइड है, ये सारी यहाँ से बहुत दर्द होती है, क्योंकि जब सांस लेते हैं या कुछ है वो उखड़ता है। तो इसलिए, क्योंकि हम तो अलग कमरे में रहे थे 15 दिन, तो बहुत मुश्किल होता है उस समय, डिप्रेशन भी होता है। जिंदगी को कितनी नज़दीक से देखा मौत? काफ़ी नज़दीक हो, भाई की, मेरे से ज़्यादा मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, चाचा जी की भी ख़राब है। अभी सब ठीक है जी, पूरे नॉर्मल है जी। आज 25 डेज हो गए नॉर्मल, 25 डेज से नॉर्मल है। सेहतमंदी के लिए हम अरदास करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी जो पहले दिखा रहे थे, हाँ जी, तो उसका तो ऑर्डर इसकी तरह बिल्कुल ही नहीं था। कितना समय मांग रही है वो? भी 40 दिन बाकी है, इसको भी 40 दिन बाकी। हाँ जी। तो उसका दाम कितना है अकेली का? वो अकेली अंकल जी अपना दो लॉट में दी है। हाँ जी, वो 86 की। 86,000? हाँ, ये 83 की। ये कितना दूध देगी? ये दूध देगी अंकल जी अपने को, ये भी 35 से 40, 35 लीटर के बड़े आराम से आएगा इसका भी। अच्छा। हाँ जी, अभी कच्ची है, 40 दिन ले रही है, और ऑर्डर क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी शेप में आएगी। नंबर? हाँ जी। क्या कहती है ये अंकल जी? अपना खुद फ्रांस से जो इम्पोर्ट इंजेक्शन है, फ्रांस के मुकी जो टीके है, कत्थे की है जी, ठीक है जी। और आगे इसको अपना याडगी का लगा हुआ इंजेक्शन, ये CRI का है, याडगी CRI का, क्योंकि नाम दसना भी जरूरी है, लोग कुछ और बता देते हैं। अगर पता नहीं है, अगले ने पूरी जानकारी नहीं दी, तो ऐसे बोल देते हैं। फ्रांस के टीके से है कत्थे की, और आगे इसको CRI का याडगी लगा। हाँ जी। तो और फर्स्ट टाइम में इसने अपना, आप यकीन नहीं करेंगे, 37 लीटर दूध दिया इसने। हाँ जी। अब? हाँ जी। अब कितना देगी? अब ये 40 से प्लस जाएगी। 40 से प्लस जाएगी? हाँ जी। तुम्हारा अनुभव इतना ज़्यादा है कि तुम मुझे ब्याह नहीं पहले बता देते? ये खुद देखी हुई है ना ये चीज़ें। और अभी इसको अंकल जी 20 डेज पड़े हैं, जब ये बच्चा देगी उस समय इसकी अडर की शेप आप अभी भी देख रहे हो, जो आप YouTube में जब बाहर की हम गाय सर्च करते हैं, या अपने PDF पे की जो उसमें सर्च है, उस टाइप का ही अडर में है, शेप बहुत अच्छी है। अच्छा, जो तुमने दिखाई है जितनी, हाँ, कितने में सेक्सी में लगा? किसी में नहीं लगा। अच्छा, सारी वाले अंकल जी मैंने कई देखी। आप हर आदमी बोल देता है दूसरे बेहतर में सेक्सी में, हर किसी को नहीं लगता अंकल, नहीं लगता। क्यों? फर्स्ट टाइमर में ही लगता है ज़्यादा। फर्स्ट टाइमर में लगेगा अंकल जी, कम से कम 6,000-7,000 का खर्चा है। अगले बात करते हैं। हाँ जी, ये भी अभी समय मांग रही है ये। इसको भी अंकल अपना 35 डेज पड़े। कौन सी ब्यांती है ये अंकल? अपना दूसरा ब्यांती है। हाँ। और अपना
ये उनको लेके दी है 74 की। 74,000? हाँ जी। कितना दूध देगी ये? दूध देगी अंकल जी अपना लगभग 35 लीटर के आसपास, उससे कम नहीं आएगा। 35? हाँ ब्रीड में है? फुल ब्रीड में है जी। कौन सी बताया इलेक्ट्रिशियन? सेकंड ही है जी। तो इतनी सस्ती फिर तुम क्यों दे रहे हो? दूसरी तो तुम देगे 35 वाली जो है लाख में। उनकी क्वालिटी और हाइट का बहुत फर्क होता है जी, हर चीज़ में थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो सेक्सी में की तुम बात कर रहे हो? हाँ जी। तुम कहते हैं सेक्सी में हर किसी को नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या होती हैं बातें जो जो जिसके कारण वो नहीं लगता? 6,500 का खर्चा है और दूसरे बेहतर में 80-75% की 80% तक चांस रहते हैं कि बछड़ी आए, और लोग उस पर ज़्यादा पैसा खर्चना फिर अनुमोद नहीं करते। पहले बेहतर भी अगर जो सेक्सिमल लगता है अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का, तो वो सांड के ऊपर माँ के ऊपर कम और बाप के ऊपर ज़्यादा असर करता है। अगर हम दूसरे बेहतर में लगाते हैं तो वो 50-50 रहता है, 50 मदर का 50 बाप का। तो ये कारण से सेकेंड बेहतर में ज़्यादा सेक्सिमल जाए, बहुत भी बड़ा फार्मर है जाए उसकी गाय 3 लाख की भी है तब भी वो सेक्सिमन नहीं लगाता दूसरे बेहतर में, बहुत ही रियल चांस होता है कोई लगाए। कौन सी गाय है जिसको लगता है सेहतमंद है, कितना वजन है वो फर्स्ट टाइमर को? वो वजन वजन का हिसाब होता है? वजन तो रहता ही है जी, फर्स्ट टाइमर की जो बछड़ी है कम से कम 350 के जी वजन तो चाहिए, तब लगेगा, तब जाके लगेगा। वैसे लगा देंगे फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 250 किलो की 200 किलो वाली को लगा देंगे तो वो बच्चा जब आएगा तो गाय आधी खत्म हो जाएगी। ये बताओ ये फोड़े जब हो जाते हैं? हाँ जी। तो क्या होता है? जो गले में फोड़े हो जाते हैं या मुंह पे ऐसे लटक जाते हैं फोड़े जो हो जाते हैं, या शरीर के कोई दूसरे भाग में भी हो जाते हैं गाय के, सूजन आ जाती है, मोटे फोड़े हो जाते हैं, क्या इलाज? देखो जी, एक तो उसको एवल का इंजेक्शन लगाओ, और दूसरा सबसे बढ़िया इलाज उसका एक ही है, गाय का ब्लड खींच कर उसको सीधा मसल पे लगाए, नस से ब्लड खींच के गाय का ही उसका ही ब्लड उसको सीधा मसल में लगा देना, उससे वो फोड़े ख़त्म हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं? हाँ जी, क्यों हो जाते हैं? ये उसी का एंटीबायोटिक ही होता है जी। अच्छा, उस जो उसका ब्लड है ना उसी पे यूज़ करके एंटीबायोटिक से उसको ख़त्म करता है। तो ये देसी इलाज भी है कोई? ये देसी है जी बिल्कुल। अच्छा हाँ जी। तो इस गाय के लिए क्या बोलोगे? ये 78 की लेके दी है अंकल। 70,000? हाँ जी। कितना दूध देगी ये? 25-30 लीटर के बीच। तो दाम क्या है? ये ना थोड़ा क्रॉस है गाय की स्ट्रक्चर के हिसाब से, थोड़ा रेट ज़्यादा लगाया है। तो सुंदर है? बहुत सुंदर है जी, स्ट्रक्चर के ऊपर ही रेट ज़्यादा लगाया है, मिल्क उनसे कम है, इसमें थोड़ा क्रॉस ब्रीड है। कितना दूध देगी? 25-30 लीटर। 25 से 30? हाँ जी। तो कितना समय मांग रही है? ये समय अंकल जी अभी इसको पड़े है 10 से 12 रोज, ज़्यादा नहीं है। अगर बिल्कुल ब्याने के टाइम पे बेचते फिर कितने की बेचते? मेरे ख्याल से 85-90 की। यही बढ़ा है? हाँ जी। पर ये जो कस्टमर से भाव बढ़ा देते हो? मैं अंकल जी ऐसा जी अपने लिए मैं गाय कभी नहीं लेता, कस्टमर का जिसकी डिमांड आती है वो मेरे को एडवांस डाल देते हैं, उनके लिए गाय लेते हैं तो उनके लिए लेते हैं, और ये नहीं है कि अपने पास ला के उसको ज़्यादा महंगी लगी तो उसको ज़्यादा महंगी दे दो, वो नहीं काम। सुरंजा नंबर? हाँ जी। तो ये तो साइज वाइज में अलग से इसका अपना हाल दिखा रही है? मीडियम हाइट है। हाँ। ज़्यादा हाइट बड़ी नहीं है आदमी, पर 2.5 फुट ऊपर चला गया, पहले 1 फुट नीचे रह गया। नहीं, ब्रीड अच्छी है जी इसकी भी, बैठक वाली गाय है। अच्छा। दूध जब भी 30 लीटर देगी, 15 लीटर टाइम। हाँ जी, 15 लीटर टाइम का। कितना समय मांग रही है अभी? अभी इसको भी अपना 15 दिन बाकी है इसे लगे। तो क्या दाम की है ये? ये 74 की है। तुम लोग ऑनलाइन भेजते हो, लोग तुमको पैसे भेजते हैं, तो वो तुम पैसे लेकर रख लेते हो और फिर कई कई महीने तुम उसका फ़ोन ही नहीं उठाते हो? ऐसा नहीं अंकल जी, आप मेरे को आपने कम से कम मेरी 50-60 वीडियो बनाई है, आपके एक भी शिकायत आई हो मेरी कि पैसा वो कस्टमर ने डाला और आपने माल नहीं भेजा, उल्टा मैंने कई कस्टमरों से मैंने पैसा ले लिया है, जो मैं ऐसे माल दे देता हूँ 10-20 हज़ार उधार, किसी का 40 हज़ार रह जाता है, तभी मेरे को ये नहीं है, हर कोई नहीं, 2-3 बार मेरे को नहीं आया, बाकी तो हर बार पैसा आता है वापस। ठीक है जी, तो ये नहीं है, ये लोग कहीं करते होंगे तो वो गलत है, ऐसा ना करो उस, क्योंकि जो आदमी अपने को विश्वास से पैसा डालता है और क्या पता उसके पास वो अमीर है कि गरीब है, कि वो पैसे पकड़ के ला रहा है कहीं से या ब्याज पे ले रहा है, अगर हम उसको पैसा मंगवा के उसको गाय नहीं भेज रहे तो ये बहुत बड़ी गलती है। वो पहले सजाई थी, ये सजाई नहीं। हाँ जी, ये कम पैसे दिए कैसे? नहीं, कम पैसे नहीं दिए। हाँ। थोड़ा इसको फीवर था। हाँ।
तो अभी उसका फीवर तो नॉर्मल हो गया, इसलिए इसको थोड़ी देर के बाद अपने हिसाब से नहलाना था। अभी दोबारा फिर इसको पानी डाल के सिर पे। फीवर के लिए क्या दिया इसको? हाँ जी, क्या दिया फीवर के लिए? फीवर के लिए अंकल जी अपना एक तो पैराडाइज की गोली आती है, चार गोली वो दी है ग्लूकोज में डाल के, ठीक है जी। साथ में इसको अपना आर्टिजोन का इंजेक्शन आता है वो लगाया, 20 ml आर्टिजोन का इंजेक्शन लगाया, बायसन वन शॉट लगाया, ठीक है जी। और साथ में अपना ये नावाजिन का इंजेक्शन लगाया 15 ml। कहाँ जा रही है? ये मेरठ जाएगी। कितना खर्चा आ गया? मेरठ का खर्चा पड़ जाता है अंकल जी, इसको इलाज के ऊपर, इलाज का खर्चा अंकल जी 250 रुपये सारे का टोटल ग्लूकोज सब कुछ डाल के। तो ये 23 नंबर कौन सी ब्यांत की है? दूसरा ही है जी, 6 दांती। कितना दूध देगी ये? अपना दूध देगी 35 के आसपास। हाँ जी, 35 से 40 रुपये। दाम क्या? दाम अंकल जी 1,10,000। आपको यहाँ ऊँचे आ रहे थे? हाँ जी, फिर ऊँचा बोलने लगे? ऊँचा नहीं, जैसी जो कीमत लगी हुई है। एक्चुअली ये गायें अपना कहीं और से सेल होकर आई है मेरे पास, एक गाय मेरे से जानी है, एक गाय उधर से जानी है। तो ये थी ओबराय डेयरी की गाय जो कि गुजरात के लिए जा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं खरीदार के लिए, शुभकामनाएं रखते हैं कालू भाई के लिए जो बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से जो है खरीद करके आगे भेजते हैं। जय हिंद।